ये पूरा का पूरा फॉरेन व्यू दे रहा है, ये जो आप आइलैंड दिख रहा है। आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस इन कैमरा। दामोदर घाटी निगम मैथन बांध धनबाद। जा रहे हैं धनबाद का फेमस डैम देखने, मैथन डैम, जो कि धनबाद से 48 किलोमीटर दूर है। और इस डैम की खासियत यह बराकर रिवर पर बना हुआ है और ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर लंबा है और 50 मीटर इसकी हाइट है। हमारा मैथन मोड़, यहाँ से कितना दूर है बढ़ती है, और 2 किलोमीटर, यहाँ से अंदर लेफ्ट में 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, ये सीधा कोलकाता चला जाएगा। अच्छा, इधर राइट को जाओगे चिरकुंडा। चिरकुंडा कौन सी जगह है? बंगाल में ही है क्या? ना ना, अच्छा झारखंड का है। और ये वाला कट है आपका मैथन डैम के लिए। दामोदर घाटी निगम मैथन बांध धनबाद। वाव, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। क्यों बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है ये धनबाद में, ये बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। ये इसको बोलते हैं मैथन डैम। उधर है मौसम बोटिंग घाट नंबर 1। देखो छोटा टापू है, उसमें 10-15 मिनट घूम सकते हैं। वो छोटा टापू है, स्टीमर वाला नहीं है जो, वो बड़ा टापू है। मतलब ये छोटा टापू तुम ये बोलते हो। यहाँ पर घुमाने का कितना चार्ज लेते हो? जाना आना 20 मिनट लग रहा है, 10 मिनट रुकेंगे, वो 400 रुपये। अच्छा, और बड़ा टापू 500 का है। ओके, गोले गोले घुमाओगे ना आगे से राउंड होगा। और लॉन्ग गेट क्या बोलते हो? लॉन्ग गेट दिखा के बीच पानी से लेके आएंगे, ठीक है? वो आपको 3 समय हो जाएगा। इधर दिखाओ लॉन्ग गेट क्या है। तो बड़ा टापू तुम पूरा उधर से घुमा कर लाओगे क्या? वो जो है पेड़ उधर समझदीप पार्क, 1400 का टिकट। मतलब उसके अंदर नहीं जाना है? पार्क के अंदर अगर जाइएगा तो आपको वहाँ 40 मिनट टाइम लगेगा पार्क में घूमने के लिए। पार्क के अंदर नहीं घूमना है, ये बताओ कि वो पूरा बोटिंग से ले जाके उधर से घुमा कर कितने में लेकर आओगे? राउंड, हाँ क्या कर राउंड? मोटर बोट में राउंड की जगह की नाव में, मोटर बोट में राउंड की जगह सर कहीं उतारेगा ना, सिर्फ राउंड होके आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, करना नहीं है। उसका चार्ज ज़्यादा है, मोटर बोट में 800 रुपया से स्टार्टिंग है और नाव में 300 रुपया से स्टार्टिंग है। नाव क्या चीज़ है? ये हाथ वाला है, हैंड बोट। अगर कोई घूमने आता है तो ये सब एरिया घूम सकता है, वो जो जैसा बताया बड़ा आइलैंड और वो छोटा आइलैंड। वो सर थोड़ा सा दूर में है MPL पावर प्लांट, ठीक है? वहाँ से भी दिखा देंगे, चलो उत्पादन होता है विद्युत। और वो सर सबसे दूर में एक सबुजदीप पार्क है, वहाँ पार्क में झूला वाला सब लगा हुआ। वो जो पेड़ दिख रहा है जो सामने, गाड़ी चला जाता है ना, गाड़ी चली जाएगी। तो आप मतलब बोट से भी वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ घूमिए, जा सकते हैं। स्पीड बोट में पार्क का राउंड होके आता है, नॉर्मल बोट में आपको 1 घंटा टाइम देते हैं पार्क में घूमने के लिए, वहाँ घूम सकते हैं। फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है, ठीक है? झूला वाला है बच्चा के लिए, घूम सकते हैं वहाँ भी। ओके, ये चम्मच आइलैंड है, इसको चम्मच आइलैंड बोलते हैं। बिल्कुल चम्मच जैसा है। अच्छा, ये चम्मच जैसा है। ओके, पहले हम लोग उतरते थे इसमें बहुत सांप उफ है, इसलिए अभी बैन हो गया। अच्छा, ये बैन कर दिया क्योंकि इसमें मतलब रेप्टाइल्स वगैरह ज्यादा है, इसकी वजह से इसको बैन कर रखा है। और ये इसको छोटा आइलैंड बोलते हैं। ये छोटा आइलैंड पानी जब घटता है तब यहाँ उतरने के लिए मिलता है, जब पानी बढ़ता है तब डूब जाता है छोटा आइलैंड। अच्छा, तो किस टाइम में पानी ऊपर उठते है? ये आपको मार्च अप्रैल में पूरा पानी डूब जाता है, ठीक है? ऐसे ठंडा के दिन में पानी डाउन रहता है। तो ओवरऑल अगर इसको प्रॉपर मैनेज किया जाए तो बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बन सकता है झारखंड के लिए। धनबाद से ये केवल 48 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड भी बहुत अच्छे हैं धनबाद से आने के लिए।
तो अगर आप कभी कोलकाता जा रहे हो या कभी आप बनारस जा रहे हो तो आप यू कैन स्टे ओवर हियर एंड एंजॉय दिस प्लेस। तो आप लोकली हो, कितना टूरिस्ट आता है वैसे? अभी कम आ रहा है, दिसंबर से, 25 दिसंबर से पूरा। ये पंडुक्की है, छोटा छोटा आइलैंड बना हुआ है इसमें, आपको डैम के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं क्या? रुकता भी है क्या इसमें? नहीं, अलाउड नहीं है। आप बीच पे जाओगे? हाँ, गेट के सामने पूरा दीप है ना सामने। अच्छा अच्छा, कितना एरिया में फैला हुआ है? लंबाई मोटामोटी 70 किलोमीटर लंबाई होगा। लंबाई 70 किलोमीटर होगा? और कौन से रिवर पर है ये? बड़ाकर। 70 किलोमीटर? हाँ, पानी दिखाई हुआ ही ना? नहीं नहीं, इधर गया पीछे तरफ, करोड़ गया है। हाँ, 17 किलोमीटर। हाँ, तो हम लोग पंडुक्की इसको बोलते हैं। यहाँ पर अभी बैठे हुए थे और यहाँ से गई, पानी में डूब जाती है मछली निकालने के लिए। तो ये चम्मच जैसा आइलैंड है, जैसा कि बताया कि ये चम्मच जैसा आइलैंड है। हाँ, मतलब अपने आप बना हुआ है कि इसको बस बनाया गया है? ये सब पहले से बनाया हुआ था। पहले से जैसे छोटा छोटा पहाड़ था, ठीक है, जितना देख रहा है टापू ना, सब पहाड़ था। अच्छा, ये तो डैम नदी डैम बाद में बना है ना। ये हो गया अभी बंधा हुआ 63 साल चल रहा है इसका, बंधा हुआ 63 साल हो गया। पहले यहाँ पर गांव था सब? पहले गांव था, बाउंड तो गांव गया इसमें, डूबा है इसमें। अच्छा, पहले तो ऐसे नदी, तो नदी था, नाव बनाने में 60,000 के आसपास लग जाता है। ये नाव है इनका, आपका नाम क्या है? सुभाष महतो। तो कभी भी कोई आया भाई सुभाष महतो जी की नाव पकड़े, ये पूरा का पूरा फॉरेन व्यू दे रहा है, ये जो आप आइलैंड दिख रहा है पूरा का पूरा। आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस इन कैमरा बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। नहीं अलाउड नहीं है, सो आप यहाँ पे उतर नहीं, बट व्यू अमेजिंग है। आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं या दोपहर में भी, ठंड के टाइम में आप दोपहर में भी आ सकते हैं यहाँ पर, इट्स अमेजिंग। शादी का क्या कॉन्सेप्ट होता है आप जो बता रहे हो, मतलब इसमें शादी वादी भी होता है क्या? शादी मतलब क्या होता है शादी में? शादी जैसे कोई नाव बुक करता है। हाँ, इसमें जैसे कोई बर्थडे मनाता है इसी के अंदर। हाँ, तो कितने लोग इस पर आ सकते हैं एक नाव पर? एक नाव में 6 आदमी रहते हैं। 6 आदमी रहते हैं, इससे बड़ा भी नाव होता है क्या? हाँ, बड़ा भी नाव है। आप थोड़ा खर्च भी करते हो, आप थोड़ा सा खर्च करोगे, एक्स्ट्रा खर्च करोगे, तो आपको वो टापू भी घुमाया जाएगा, इस टापू के राउंड भी कराया जाएगा। तो आप अगर फास्ट टापू करना है, आपके पास टाइम कम है, तो आप स्टीमर बोट भी ले सकते हैं यहाँ से। स्टीमर बोट से आप वो पूरा एरिया, वो पूरा एरिया वहाँ पर पार्क है, वो पूरा एरिया आप घूम सकते हो, फिर राउंड करके आप इधर से निकलते हुए ये एरिया घूम सकते हो और फिर आप निकल जाओ यहाँ से। अभी हम लोग अब हम लोग पहुँचने वाले हैं छोटे से टापू पर। यहाँ रुकना अलाउड है थोड़ा देर? उतरना अलाउड है? यहाँ उतरना अलाउड है, तो आप उतर के वैसे वॉक। हेलो, ये
ये था हमारा एक हॉल्ट। अभी हॉल्ट के बाद हम लोग निकल रहे हैं फिर। अच्छा, इसी एंगल में बंधा रहता है सब नाव। जैसे ये नाव है, ये भी बंधा हुआ है, यानी कहीं जाएगा नहीं इधर, बट ऐसा लग रहा है कि ये जा रहा है। हाँ, बट इसको खींच सकते हैं। और ये बड़ा नाव है क्यों? ये पार्टी वार्टी के लिए है बेटर। बेंच वेंच लगा हुआ है, तो आप पार्टी वार्टी करना है तो इस टाइप के नाव पर भी पार्टी कर सकते हैं आकर। बट ये मुझे नहीं लगता कि ये चंपू वाला नाव है। वैसे मोटर लगा हुआ है उसमें, तब इस टाइप के नाव में, मोटर लगा हुआ नाव में भी आप पूरा डैम घूम सकते हैं। बराकर, ये है बराकर रिवर। वो है बराकर रिवर, और यहाँ पर एनिमल सेंचुरी बनाया गया है। जो आग लगी हुई है वही आग लगी हुई है। वहाँ वो रोडमा आग लगा लाई, देखिए आग लगा हुआ, देखिए यही नजर आ रहा है। क्यों आग लग जाता है यहाँ? फायर में ऊपर सिम में पहले, बहुत पहले से आग लगा हुआ है। हम लोग आग को पहले बुझ हमारा। ये कहाँ से आता है? गांव से। किधर? इधर ही गांव है। तो इस वाले रोड में पूरा गन्ने का है, गन्ने का जूस पूरे रोड पर मिलेगा। कितना किलोमीटर तक मिलता है बंटी? 10-12-15 किलोमीटर तक गन्ने का जूस मिलेगा अभी, और आगे भी मिलेगा, घाटी में भी मिलेगा। तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे ना। अध्याय हम लोग किधर जा रहे हैं अभी? नहीं, बाबा का तालाब है। तालाब है बाबा का, वो देखने जा रहे हैं हम लोग। क्या ये आ जा, तो अभी हम लोग जो तालाब हमारा है वो देखने हैं कि मछली का साइज भी बड़ा है नहीं बड़ा है। ये रास्ता पहले नहीं था? नहीं पापा, ये भी बनाया, ये आप लोग बनवाया है? तालाब है। तो फाइनली जो तालाब है, हम लोग तालाब के पास पहुंच गए हैं। जाली ऊपर से पड़ा हुआ है। अब जाली क्यों डला हुआ है ये पापा जी बताएंगे। 1, 2, 3 इसके अंदर क्या है? राइस। दिखाओ राइस, निकालो एक, निकाल के दिखाओ राइस, दिखाओ अपने यूट्यूबर्स को। ओ नहीं, तो वैसे भी निकल रहा है ऑलरेडी। मेरे से नहीं निकल पा रहा पापा। ट्राई करो, ट्राई करो, ऐसे नाखून से निकालो। नाखून से ऐसे देखो, ऐसे निकालते हैं, ऐसे नाखून से ऐसे करोगे, क्रश करोगे। देखो ये देखो, ये देखो, पकड़ो, पापा दिखाते हैं, इसको पकड़ो। ये देखो, ये देखो,
होटल बहुत उतर गई अफिया कमाई के लेके ना हाँ तो मुकरवा ले खा अफी लेके आओ धनवा मुकरवा ले मेरे से तो एक नहीं निकल पाता है ये देखो इसको बोलते हैं धान और इसके अंदर बोलते हैं राइस ये देखो राइस और कुछ देखे ये धान का क्या करें मछली को दे दो फेंक दो गिव मी अनदर वन आई डोंट हैव तुमने कहाँ रख दिया फेंक दिया मैंने क्यों वो धान हम लोग घर पे लेके चलते थे तो निकाल लो जाओ लेकर आओ धान उधर से लेकर आओ राइट हाउ टू गेट इधर इधर से जाओ इधर से देखो देखो ये देखो ये देखो ये रास्ता बना हुआ है उस रास्ते से जाओ आराम से बैलेंस बनाओ जाओ हाँ ये भी धान है तो यहाँ से अभी कटाई हो गई अब इसमें ना फिर से इसमें दूसरा फसल लगेगा इसमें ये जो दिख रहा है तुम्हें ये सब धान ये ऐसे धान था ओके ये धान को काट दिया गया अब यहाँ से कट के वो चला गया देखो वहाँ पर वो दिख रहा है वो वहाँ चला गया अब यहाँ पर फिर से दूसरा फसल लगेगा दूसरे चीज़ की खेती होगी सोध्या हाउ डू यू फाइंड दिस प्लेस इंटरेस्टिंग ओके हेयरी मॉन्स्टर जैसे हेयरी मॉन्स्टर नहीं है भाई इसी से तो चावल निकलता है जो